नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का पहला डेली करंट अफेयर अपडेट, जिसका शीर्षक है रक्षा। भारतीय अमेरिकी सेनाओं ने आयोजित किया टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। भारतीय और अमेरिकी सेनाओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के अनुरूप विशाखापत्तनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास किया। पहला अभ्यास भी विशाखापत्तनम से नवंबर 2019 में 9 दिनों के दौरान हुआ और इसमें 500 से अधिक अमेरिकी मरीन और नौसैनिकों और लगभग 1200 भारतीय नौसैनिकों, सैनिकों और वायु सैनिकों को शामिल किया गया। टाइगर ट्रायम्फ ने 2022 में तीसरी बार चिन्हित किया कि भारतीय और अमेरिकी सेनाओं ने विशाखापत्तनम में एक साथ काम किया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। विंडर जी 2023 अगले साल अक्टूबर में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। भारतीय पवन उद्योग की द्विवार्षिक प्रदर्शनी सह सम्मेलन विंडर जी का अगला संस्करण अगले वर्ष के 4 से 6 अक्टूबर के बीच चेन्नई में आयोजित किया जाना है। इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IWTMA के महासचिव, जो भारतीय पवन उद्योग की आवाज और कार्यक्रम के मेजबान DV गिरी ने देखा है कि तमिलनाडु उद्योग का जन्म स्थान है। गिरी ने कहा कि राज्य में उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला की मजबूत उपस्थिति है। समारोह चेन्नई ट्रेड सेंटर में आयोजित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। तेलंगाना हैदराबादी हलीम को मिला मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड। भौगोलिक संकेत GI की स्थिति के साथ पूरे भारत के 17 खाद्य पदार्थों के साथ प्रतिस्पर्धा में हैदराबादी हलीम ने खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय GI पुरस्कार जीता। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत विजेता को एक मतदान प्रणाली के माध्यम से चुना गया था, जो कि उद्योग और आंतरिक व्यापार वाणिज्य मंत्रालय के तहत को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। 2010 में हैदराबादी हलीम को पहली बार GI का दर्जा दिया गया था। इसने स्थापित किया कि कोई अन्य शहर या राज्य हलीम को हैदराबादी हलीम के रूप में नहीं बना सकता है या उसका विपणन नहीं कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जक्षय शाह को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। क्रेडाई के पूर्व अध्यक्ष और सेबी ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष श्री जक्षय शाह को 21 अक्टूबर 2022 से प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जक्षय शाह वर्तमान अध्यक्ष मैकेंसे इंडिया के पूर्व प्रमुख श्री आदिल जैनुल भाई, जिन्होंने 2014 से 2022 तक 8 वर्षों की अवधि के लिए 3 कार्यकालों के माध्यम से QCI के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, का स्थान लेंगे। श्री शाह ने 1996 में सेबी ग्रुप की स्थापना की और भारत में निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स के शीर्ष निकाय क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय। FATF ने म्यांमार को ब्लैकलिस्ट किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने घोषणा की है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने अपने सदस्यों के म्यांमार से उत्पन्न होने वाले जोखिम के अनुपात में बढ़े हुए उचित परिश्रम उपायों को लागू करने का आह्वान किया है। यह कदम म्यांमार को कार्रवाई के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार श्रेणी में रखे जाने के बाद आया है, जिसे आमतौर पर ब्लैकलिस्ट देशों के रूप में जाना जाता है। इससे पहले फरवरी 2020 में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK और ईरान को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी द्वारा ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे छठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल।
नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह। भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट संघ CABI ने भारत में होने वाली नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप में भाग लेने वाले देश भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। विश्व कप के मैच 6 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक आयोजित होंगे। विश्व कप दिव्यांगों के लिए समर्थ नाम ट्रस्ट की एक पहल है जो 2012 से इस चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे सातवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का मुंबई में उद्घाटन। भारत को हाल ही में अपना पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम मिला है। इस प्रणाली का उद्देश्य प्रवासी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के बारे में तत्काल एक ही प्रणाली पर नवीनतम जानकारी प्रदान करना है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित इस प्रणाली का उद्घाटन मुंबई में महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने किया। अपनी तरह की पहली प्रणाली मौसमी प्रवासी महिलाओं और बच्चों की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे आठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। एना मे वोंग अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी। अभूतपूर्व अभिनेत्री एना मे वोंग हाल ही में अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बन गई हैं। मूक फिल्म युग के दौरान हॉलीवुड में प्रवेश करने वाली अभिनेत्री को अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाने के लिए एक सदी बाद अमेरिकी मुद्रा में दिखाया जाएगा। लॉस एंजलिस में जन्मी एना मे वोंग ने 14 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू किया और 1922 में द टोल ऑफ द सी में मुख्य भूमिका निभाई। उन्हें रूढ़िवादी भूमिकाओं से टूटने के लिए संघर्ष करते हुए हॉलीवुड में नस्लवाद का सामना करना पड़ा। एना मे वोंग 4 दशकों के करियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। रेडबुल फॉर्मूला 1 के मालिक डाइट्रिच मार्टेशिट्स का 78 साल की उम्र में निधन। एनर्जी ड्रिंक कंपनी रेडबुल के सह संस्थापक और रेडबुल फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम के संस्थापक और मालिक ऑस्ट्रियाई अरबपति डाइट्रिच मार्टेशिट्स का निधन हो गया है। वह 78 वर्ष के थे। रेडबुल की बढ़ती सफलता के साथ मार्टेशिट्स ने खेल, विशेष रूप से मोटर स्पोर्ट्स और एक्सट्रीम खेलों में अपने निवेश का काफी विस्तार किया और रेडबुल अब फुटबॉल क्लब, आइस हॉकी टीमों और F1 रेसिंग टीमों का संचालन करता है। रेडबुल के पास विभिन्न खेलों में सैकड़ों एथलीटों के साथ अनुबंध भी है और रेसर्स को शीर्ष स्तर पर लाने के लिए एक गहरा विकास कार्यक्रम है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए भारत ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। देश के प्रतिस्पर्धा नियामक ने एंड्रॉइड मोबाइल उपकरणों से संबंधित प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के लिए अल्फाबेट इंक के गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने ट्वीट किया कि उसने एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में कई बाजारों में प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर जुर्माना लगाया है। गूगल ने कहा कि भारतीय नियामक के कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाने का निर्णय भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए एक बड़ा झटका था और यह अगले चरणों का मूल्यांकन करने के निर्णय की समीक्षा करेगा। तो हमारे इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।